यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय। फिर स्वर्ग पर एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुए थी और चांद उसके पांव तले था और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था और वह गर्भवती हुई और चिल्लाती थी क्योंकि प्रसव की पीड़ा उसे लगी थी और वह बच्चा जनने की पीड़ा में थी। और एक और चिन्ह स्वर्ग पर दिखाई दिया और देखो एक बड़ा लाल अजगर था जिसके 7 सिर और 10 सींग थे और उसके सिरों पर 7 राज मुकुट थे और उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया और वह अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ कि जब वह बच्चा जने तो उसके बच्चे को निगल जाए। और वह बेटा जनी जो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था और उसका बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया। और वह स्त्री उस जंगल को भाग गई जहां परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी कि वहां वह 1260 दिन तक पाली जाए। फिर स्वर्ग पर लड़ाई हुई, मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े परंतु प्रबल न हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही। और वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इबलीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। फिर मैंने स्वर्ग पर से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना कि अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था गिरा दिया गया और वे मेमने के लोहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना यहाँ तक कि मृत्यु भी सहेली। इस कारण हे स्वर्गो और उनमें के रहने वालों मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। और जब अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूँ तो उस स्त्री को जो बेटा जनी थी सताया और उस स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुंच जाए जहां वह एक समय और समयों और आधे समय तक पाली जाए। और सांप ने उस स्त्री के पीछे अपने मुंह से नदी की नाई पानी बहाया कि उसे इस नदी से बहा दे, परंतु पृथ्वी ने उस स्त्री की सहायता की और अपना मुंह खोलकर उस नदी को जो अजगर ने अपने मुंह से बहाई थी पी लिया। और अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर हैं लड़ने को गया और वह समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ। यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय। फिर स्वर्ग पर एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुए थी और चांद उसके पांव तले था और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था और वह गर्भवती हुई और चिल्लाती थी क्योंकि प्रसव की पीड़ा उसे लगी थी और वह बच्चा जनने की पीड़ा में थी। और एक और चिन्ह स्वर्ग पर दिखाई दिया और देखो एक बड़ा लाल अजगर था जिसके 7 सिर और 10 सींग थे और उसके सिरों पर 7 राज मुकुट थे और उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया और वह अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ कि जब वह बच्चा जने तो उसके बच्चे को निगल जाए। और वह बेटा जनी जो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था और उसका बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया। और वह स्त्री उस जंगल को भाग गई जहां परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी कि वहां वह 1260 दिन तक पाली जाए। फिर स्वर्ग पर लड़ाई हुई, मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े परंतु प्रबल न हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही। और वह बड़ा अजगर